हम एक सिंपल सा प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसमें कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, उसकी बेसिस पे जो प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ पे एक बॉल है जिसका मास एम है, और ये एक बड़ा सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है, ये सिलेंडर है, और ये एक धागे से हमने बांधा हुआ है, स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। यहाँ तक सपोज स्ट्रिंग आ रहा है, उसका लेंथ कितना भी हो, उसे हमें इस प्रॉब्लम में उसका कोई लिंक नहीं है, टोटल लेंथ से कोई लिंक नहीं है। हमें निकालना है कि जब ये बॉल अनफोल्ड होना शुरू होगा, जब ये स्ट्रिंग अनफोल्ड होना शुरू होगा, हमने इनिशियल वेलोसिटी वी जो दी वो रेडियस के अलोंग दी, ये एकदम सेंटर के थ्रू पास हो रही है, ऐसे वेलोसिटी थी। तो आप देखिए क्या होगा, ये अनफोल्ड होगा ऐसे, इसको अगर हम डिफरेंट कलर से दिखाएं तो ये सीधा ऐसे स्ट्रिंग होता जाएगा, थोड़ी देर बाद स्ट्रिंग फिर ऐसे होगा, बॉल यहाँ पे था अब यहाँ पे आएगा। तो आप देखेंगे कि इसके टेंजेंट आप ड्रॉ करिए डिफरेंट पोजीशन पे, उससे आपको आइडिया लगेगा कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ये डिफरेंट पॉइंट्स पे, सॉरी ये टेंजेंट यहाँ पे बनेगा, इसके परपेंडिकुलर आया। तो हर पोजीशन पे आप देखिए इसका वेलोसिटी वी जो भी है, सपोज मैं अलग अलग लेता हूँ, वी डबल डैश, यहाँ पे सपोज वी ट्रिपल डैश है, आप हर पोजीशन पे देखिए ये जो स्ट्रिंग है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो स्ट्रिंग में जो भी टेंशन होगा वो टेंशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है, टी डैश, टी डबल डैश और व्हाटएवर जो भी आप लिख दीजिए। और हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, ग्रेविटी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि जो भी फोर्स लग रहा है इस बॉल पे वो सिर्फ टेंशन की वजह से लग रहा है, और वो मोशन के, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, उसके परपेंडिकुलर है। तो वर्क डन इज एफ डॉट डी एस, जब भी यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है फोर्स और डिस्टेंस, आप सबको पता है कि वर्क डन जीरो होता है। तो वर्क डन इस बॉल पे इस स्ट्रिंग की वजह से कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, बस यही इस प्रॉब्लम में है। अब ऐसी प्रॉब्लम को करने के लिए जो तरीका होता है, आप कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिए जहाँ पे वो पहुँच गई है बॉल। सपोज ये इनिशियल पोजीशन थी, हम मानते हैं कि ये थीटा टर्न हुई टाइम टी में, थीटा टर्न हुई मतलब ये स्ट्रिंग ऐसे हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि ये स्ट्रिंग यहाँ से खुला है तो ये आर था, ये आर थीटा था, तो ये लेंथ हो गया आर थीटा, और ये वेलोसिटी वी है, वी हमने दी थी, ये वी चेंज नहीं हो रही है। अब एक थीटा के डायरेक्शन में ही एक स्मॉल एंगल डी थीटा लेते हैं, इसको बड़ा दिखाया है सिर्फ समझने के लिए, एंगल ये छोटा है, सो इसको आप फिर से बनाइए, ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पे भी वेलोसिटी वी है, ये आर थीटा प्लस आर डी थीटा है, और डी थीटा टेंडिंग टू जीरो है, तो इस लेंथ को अप्रॉक्सीमेटली हम सेम मान लेते हैं। अब ये एक आप कर्व यहाँ से ड्रॉ कीजिए जो कि यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर, बेसिकली इस डी थीटा में वेलोसिटी ऐसे इस कर्व के अलोंग जाता है, ये एंगल क्या होगा, ये भी डी थीटा है, सो डी थीटा इज इक्वल टू आर्क, ये आर्क है आपका, अपॉन रेडियस, ये रेडियस है इस कर्व के लिए, ये रेडियस है, तो आर थीटा भी ले सकते हैं, आर थीटा प्लस आर डी थीटा ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, आर थीटा प्लस आर डी थीटा ले लेते हैं, ये आर्क है, तो आर्क का वैल्यू आया डी थीटा आर थीटा प्लस आर डी थीटा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी थीटा स्क्वायर आएगा, तो उसको हम स्क्वायर को इग्नोर करेंगे क्योंकि थीटा की वैल्यू कम है, तो बेसिकली आर्क की वैल्यू आएगी आपकी आर थीटा डी थीटा। अब स्पीड कांस्टेंट है वो होगी डिस्टेंस,
जो कि आर्क है अपॉन टाइम डी टी, इस डी थीटा को कवर करने में टाइम डी टी लिया और थीटा को कवर करने के टाइम टी लिया, सो डी टी इज इक्वल टू आर्क अपॉन वी, वी कांस्टेंट है, आर्क है आर थीटा, डी थीटा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, सो जीरो टू टी और जीरो टू थीटा, जो भी आप उस थीटा पे पहुंचे हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, टी इज इक्वल टू आर थीटा स्क्वायर अपॉन वी और थीटा अपॉन ट्वाइस इंटू ट्वाइस वी, थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस टी वी अपॉन आर का अंडर रूट। हमें अगर लेंथ निकालना होगा वह है आर थीटा, तो ये हुआ ट्वाइस टी वी आर का अंडर रूट, और यही रिलेशनशिप हमें इस प्रॉब्लम में निकालना था।